प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने नूरपुर में पत्रकार वार्ता की और भाजपा को मुद्दाविहीन पार्टी करार दिया। शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के तीनों उपचुनाव व एक संसदीय सीट का चुनाव कांग्रेस भारी मतों से जीत दर्ज करने वाली है। शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि फतेहपुर में मुख्यमंत्री की जनसभाओं को करवाना भाजपा की बौखलाहट है। प्रदेश प्रवक्ता ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर महंगाई जैसे मुख्य मुद्दे को बनावटी कहने पर भी गहरा ऐतराज जताया और कहा कि ये मात्र और मात्र देश के चहेतों को चुनावी वायदों को निभाने का मुख्य प्रयास है। प्रदेश प्रवक्ता ने सरकार से पूछा कि क्या सरकारी संपत्ति को औने पौने दामों में अपने चहेतों को बेच देना विकास है, रेलवे, पेट्रोलियम, परिवहन, एयरलाइंस पर निजीकरण करना देश हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था मात्र चंद उद्योगपतियों के हाथों में थमा देना राष्ट्र हित के लिए सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में तीन उपचुनाव जो होने जा रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र के और एक संसदीय क्षेत्र मंडी का जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसमें भाजपा बहुत ही पिछड़ चुकी है। लोगों का जो रुझान है वो कांग्रेस के प्रति बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और 30 तारीख को मात्र एक औपचारिकता है। ये भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो उनकी बखलाहट भी बता रही है, उनके चेहरे बता रहे हैं। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में 6 जनसभाएं करने जा रहे हैं। ये इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद घर घर जाकर उपचुनाव में वोट मांग रहे हैं। बाकी जो मेन मुद्दा है कांग्रेस का वो ये है कि वो महंगाई को लेकर हम लोगों के उसमें जा रहे हैं। लोग जो हैं वो बिल्कुल भाजपा की जो नीतियां हैं उनका विरोध करने कर रहे हैं, और वो पूर्णतया मन बना चुके हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवार भवानी सिंह पठानिया को हम भारी मतों से जिताएंगे। और फतेहपुर में भाजपा जो है टोटल ही पिछड़ चुकी है। बाकी अन्य जो विधानसभा क्षेत्र हैं तीन, दो हिमाचल प्रदेश में, वहाँ कांग्रेस भारी मतों से जीतने जा रही है। और मंडी संसदीय क्षेत्र में हमारी नेता उम्मीदवार प्रतिभा सिंह जी भारी मतों से जीतने जा रही है। ये मेरा दावा नहीं है, जो भाजपा के नेता भी वहाँ से ये बोलने जा रहे हैं। धन्यवाद।